हम लेसन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 16 में भी हमने अपेयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेज को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में भी कुछ जो चीज़ें अपेयरेंस और डिज़ाइन में रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, लेआउट कैसा होना चाहिए। कहते हैं रिटर्न मैसेज टू पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस लेटर, जो हम किसी पर्सन को लेटर लिखते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस लेटर। अपेयरेंस ऑफ द लेटर कन्वे नॉन वर्बल प्रेशन दैट अफेक्ट द रीडर एटीट्यूड। अपेयरेंस ही सब कुछ क्लियर कर देती है, बता देती है कि किस किस्म के बंदे ने मैसेज लिखा है। बिजनेस लेटर आर यूजली अरेंज इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लेआउट्स। द स्टाइल आर फॉर्म डिटरमाइंड बाय सर्टेन कन्वेंशंस। देयर आर डिफरेंट स्टाइल इन फैशन, डिफिकल्ट टू से व्हिच वन इज द बेस्ट। नाउडेज फॉर्म यूज द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टाइल। एंड वो कहते हैं जी इस तरह के स्टाइल आप यूज करते हैं, ब्लॉक फॉर्म है, फुल ब्लॉक फॉर्म है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये तमाम स्टाइल। द ब्लॉक फॉर्म मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म क्या है, दिस फॉर्म इज नाउन नेम सो बिकॉज इन साइड एड्रेस सलूटेशन पैराग्राफ ब्लॉक नॉट इंडेंटेड इन दिस फॉर्म। इफ प्लेन पेपर इज बींग यूज हेडिंग डेट कंपनी टाइप राइटर हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द, मतलब अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री सेंटर को यूज करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड पे जो लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल में टाइप होना। फुल ब्लॉक दिस फॉर्म में कंसिडर्ड मोस्ट मॉडर्न ऑल द एसेंशियल पार्ट इन फॉर्म स्टार्ट इज लेफ्ट हैंड मार्जिन। लेफ्ट हैंड मार्जिन सेमी ब्लॉक ऐड करने। पंक्चुएशन स्टाइल क्लोज पंक्चुएशन पार्ट्स ऑफ हेडिंग, स्टैंडर्ड पंक्चुएशन भी ऐड से ओपन पंक्चुएशन भी ऐड कर सकते हैं। ये उसने ब्लॉक मॉडिफाई ब्लॉक फॉर्म डिस्कस करिए, इनके मुताबिक आपको लेटर लिखना चाहिए। फुल ब्लॉक सेमी ब्लॉक फॉर्म है, कंप्लीमेंट्री क्लोज भी उसने बताए हैं। पार्ट्स ऑफ अ मेमोरेंडम फ्रॉम डेट सब्जेक्ट एंटर ऑफिस मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट्स ऑफ अ मेमोरेंडम। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में हिस्सा डिज़ाइन का हिस्सा थी। इस हिसाब से इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको लेटर लिखना चाहिए।